तब सुखी हो पद यात्रा में। जब हम पद यात्रा ज्वाइन किए थे तो 22 साल के थे। मैं जब इसको ज्वाइन किया तो 22 साल का था। पाँच छः सात आठ आठ ही हैं तो प्रसाद पा रहे हैं। उत्कल बंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की संख्या ज्यादा है क्या? ऑल इंडिया के 15 आए हुए हैं, उत्कल बंगा से 15 आए हुए। यूपी पद यात्रा 2 आए हुए, 1 प्रसाद के लिए गए। 2 आए हुए सिर्फ, 3 आए थे, 1 चले गए। महाराष्ट्र पद यात्रा 2 गजन है प्रभु, 3 गजन है टिकट। 8 हल होता ना? नहीं, 5 जन हल है। जो है सारी रथ का नया रथ का स्पॉन्सर कराते हैं, कई बड़े बड़े अच्छे से डोनर से। क्या बनाते हो क्या? नहीं नहीं, बनता है बंगाल में, बंगाल मायापुर में। पार्थ का कहाँ है? पार्थ का हमारी विश्वकर्मा है और रथ का लकड़ी वगैरह ये सप्लाई कर देते हैं। स्पॉन्सर का रथ वगैरह ट्रैक्टर वगैरह अभी ऑल इंडिया पद यात्रा, लेकिन नया रथ, नया ट्रैक्टर महाराष्ट्र के लिए। उत्कल बंगा पद यात्रा के लिए पिछले साल 600 भगवत गीता दिए थे और साथ साथ में वो ड्राई फ्रूट्स लाते हो बॉम्बे से, उसका फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा है। पहले वो डायमंड लाइन में काम कर रहा था, उसे कांटेक्ट हो जाता लोग से तो उसे बात करता, पद यात्रा का वीडियो दिखाता करता और विशेष करके उसका कांटेक्ट अर्जुन के रथ के सारथी तो चल रहा तैयारी, वहाँ ऑलरेडी सेटिंग हो गया, फैब्रिकेशन हुआ, लकड़ी हुआ। तो हमने देखे महाराष्ट्र में, हमने प्रयास किया महाराष्ट्र पद यात्रा बनाने। वेरी नाइस, बालक है। हाँ, नाइस ऐसा सब बच्चे हैं, देखो महाराज आपको सामने इतना चैतन्य बच्चे हैं। बंगाल पद यात्रा से वो गृहस्थ हैं, गुरु महाराज तारकनाथ प्रभु वो गृहस्थ हैं, लेकिन राधाष्टमी का दिन वो जैन हो गए, अब कंटिन्यू चल रहे हो। अभी परिक्रमा के लिए आए, फिर जाने के बाद वहाँ ज्वाइन करेंगे। हाँ, हमारे जगन्नाथ प्रभु डांसिंग डिवोटी बंगाल का है, ओडिशा में था, अभी वो तमिलनाडु में प्रचार करा। खूब भाषा नहीं जानता है लेकिन अच्छा बुक्स, बेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऑल एवरी, आई थिंक सब लोग जानते हैं कि वो सबसे अच्छा है। भाषा नहीं जानता लेकिन हाँ, बंगाल बंगाल से ओडिशा में था, अब वो तमिलनाडु गया है, कि तमिलनाडु थोड़ा कम थे। मंदिर कैसे आपने जाननी हुई मंदिर के लिए थोड़ा किसी जगह ना राधानगर, राधानगर जगह नाम, जगह नाम सिटी नाम श्यामपुर, जहाँ प्रोग्राम था ना गुरु महाराज के, वहाँ हाँ महाराज थे ना, वहीं उसी पंथ के। मायापुर में आएंगे? हाँ, सब लोग मायापुर में आएंगे, गौर मंडल परिक्रमा, इनके तो यही फेस्टिवल है, रजमंडल गौर मंडल। दो हॉलीडेज, दो हॉलीडेज वेकेशन, इधर भी चलते पैदल चलने से तो कभी रुकता नहीं है। कुछ बोला नहीं, कुछ हो रहा क्या? जब तक ग्रंथ वितरण होता रहेगा। धन्य चैतन्य, जल्दी प्रसाद ले इधरा, प्रभुपाद का मैं जीवित रहूंगा। यदि ग्रंथ वितरण से प्रभुपाद मुझे कहे थे, लिखे थे एक समय यात्रा में, चैंटिंग हरे कृष्णा, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज इनफ फॉर पद यात्रा। ये तीन सेवा पर्याप्त है पद यात्रा के लिए। ग्रंथ वितरण, प्रसाद वितरण भी कहे थे,
एंड कीर्तन का वितरण तो हम करते ही है, नाम नाम का ठाकुर का दर्शन भी ओनली पदयात्रा इज गिवर एंड गिवर लेता नहीं देता है। मैराथन आ रहा है, मैराथन समझे ना, हर दिसंबर महीने में गीता मैराथन, आजकल तो और कई सारे मैराथन, ग्रंथ ट्रस्ट श्रीमद भागवतम भागवतम सेट का मैराथन भी चलता है, चैतन्य चरितामृत का मैराथन भी चल रहा है, तीन प्रकार के मैराथन हो रहे हैं। आप सेट का भागवत का सेट का वितरण करते हो कोई? लास्ट मंथ में एक भागवतम सेट किया था ऑल इंडिया में, दो चैतन्य चरितामृत और 3000 चलते, हर महीना एक दो सेट कहीं जाता है, यूपी में जाता है, ऑल इंडिया जाता है, सब जाते हैं। ये परिक्रमा भी समाप्त होते ही अमोघ, विच इज एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत में फ्री है क्या? फ्री है तो दिसंबर महीने में आचार्य पुस्तक आप लौटते ही, ये सब लौटते ही टोटन आचार्य पुस्तक वितरण और आप सब ऑल इंडिया टेंपल प्रेसिडेंट्स मीटिंग हुई थी वृंदावन में ही, तो हर मंदिर अपना अपना, हम 10 लाख भगवद गीता का वितरण करेंगे, हम 5 लाख भगवद गीता का, हम 50,000 भगवद गीता का, ऐसे संकल्प ले रहे थे सभी वक्त। उस मीटिंग में हमने भी आप सभी की ओर से, सब पदयात्रा की ओर से हमने कहा कि पदयात्रा 1 लाख भगवद गीता का वितरण करेंगे, दिसंबर मिडिल ऑफ जनवरी तक भी कर सकते हैं आप। एक्चुअली दो पदयात्रा आप ध्यान रखो, दो पदयात्रा तो यात्रा का पदयात्रा, बंग पदयात्रा, महाराष्ट्र का कोई है तो 1 लाख में से हर पदयात्रा को फिर कितना, 10,000 भगवद गीता, 20,000 भगवद गीता एक महीने में करना है, उसके लिए कुछ योजना बननी होगी, बनानी होगी, हम आप किस शहर में होंगे, या शहर में थोड़ा अधिक वितरण होता है ना, ग्रंथों का वितरण शहरों में थोड़ा अधिक होता है, तो आप ऐसा ट्रैवलिंग प्लान बना दो ताकि आपका ग्रंथ का वितरण अधिक से अधिक हो दिसंबर और मकर संक्रांति तक में, आप कितना कितना करते हर महीने, हर रोज कितना होता है आपका? 5 पूरे पदयात्रा, पूरे पदयात्रा का पर डे 30 से 50 ओडिशा में थोड़ा कम होता है, कुछ कुछ डिफरेंट जिला में होता है, कुछ जिला में अच्छा हुआ 30-40 कर गया, कुछ जिला में 10-15 लास्ट ईयर मोबाइल के वजह से यूपी पदयात्रा का होता है 50 से 100 तक होता है। कौन सी पदयात्रा? यूपी एवरी डे 100 गीतास तो कितना हुआ? 3,000 एटलीस्ट वी हैव टू स्टार्ट पर डे 200, मोर देन 200 एवरेज करेंगे तो 250-300 गीता का वितरण करना होगा, तो एक एक पदयात्रा का 10,000 फिर स्पॉन्सर वगैरह कराएंगे, कराओ ना, फिर प्राइस थोड़ा कम कर दो गाँव वालों के लिए। आइए आचार्य भाई, डिस्ट्रीब्यूशन डबल हो सकता है, हमें ऑल इंडिया पदयात्रा को स्पॉन्सर कर सकती है। यस, तमिलनाडु शिवानंद प्रभु डिसाइड हैं गीता वितरण करने वाले, तो
डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला गीता डिस्ट्रीब्यूशन, इनके लिए कुछ स्पेशल संकीर्तन क्लास या कोर्स या भी है, और भी काफ़ी एक्सपर्ट ग्रंथ वितरक है, इस जूम पर आपको एड्रेस कर सकते हैं, आपको टिप्स दे सकते हैं कैसे कैसे वितरण बढ़ाया जा सकता है। ऑल इंडिया कितना करेगी, एक महीने एक डेढ़ महीने में 25-15 जनवरी तक 25,000 भगवद गीता। और भी ऐसा हमारे अंडर कहीं अभी गांव में जाते हैं तो छोटा सा सेंटर होता है, उनको तो किताब नहीं बीबीडी से नहीं देते, उनको भी हम देखे उनके माध्यम से भी करा सकते हैं। ये भी आइडिया है, वो लोग मांगते हैं ऐसे उनको, वो तो मंदिर वाले या डायरेक्ट बीबीडी से के वाले हम लोग का थोड़ी सी सपोर्ट। 1,00,000 में से 25,000 भगवद गीता ऑल इंडिया पदयात्रा वितरण करेगी। और आ गया 75,000 ले लो कुछ 10-15 हज़ार 45,000 5,000 तमिलनाडु पदयात्रा तमिलनाडु 5,000 मिनिमम डे टिकन प्राइस आई थिंक तुम्हारे हमें क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा वो ऐसे कर से मैं लीडर से पूछ रहा हूँ, जैसे जो गीता प्राइस आपकी जो भी है बीबीटी का क्या टेम्पल बीबीटी का क्या पॉलिसी पता नहीं है, लेकिन आप स्पेशल जैसे कि 96 में हम याद है हम पदयात्रा कर रहे थे, टेम्पल प्राइस अलग था, हम कहते थे कि माराथन हम पदयात्री लोग स्पॉन्सर हमको मिला है, हम स्पेशल प्राइस में दे रहे हैं, प्राइस इतना है और इसी महीने में इतना इस महीने में होगा और समय नहीं होगा, उस टाइम में स्पेशल रेट में देती है। तो इसीलिए लोग कितना भी कहे हम वो कि हम माराथन में हमको भक्तों से सहयोग मिला है इसीलिए हम आपको कम प्राइस में कर रहे हैं। गीता प्राइस से महाराष्ट्र का कितना रुपया अभी बेच रहे हैं बताओ? 200 बेच रहे हैं, तो आप उसको 100 करो, आपका क्या हिंदी 250 में तो 121 रुपया करो, आपका 300 रुपया 151 करो, ऐसा कुछ 50 करके जो पैसा हम लोग थोड़ा सा कुछ भरपाई करेंगे। 250 रुपया 10,000 गीता में आपको कितना स्पॉन्सर 1,00,000 चाहिए ना राइट, एग्जाम्पल 1,10,000 देने से आपका 151 में बेच सकते हैं राइट। आपके बीबीडी प्राइस क्या है? 200 रुपया, इनको भी 1,00,000 देंगे 2,50,000 दिया जाएगा तो उड़ीसा में है 250 कहीं है गाँव में थोड़ा इतना लोग अफोर्ड नहीं करते, इसको थोड़ा स्पॉन्सर करेंगे आप जैसे कोई धनी दानी तो सस्ते में बेच सकते, फिर गीता का अधिक वितरण होगा, उसको थोड़ा और के उठा के रखो, ये जो प्रसाद जो गीता है ना अगले साल 2024 ये पदयात्रा का 40th एनिवर्सरी है, 84 में शुरू हुआ था द्वारका से मायापुर, फिर हम लोग ऑल इंडिया पदयात्रा जा ही रही है, 40 साल होंगे पूरे नेक्स्ट ईयर अगले साल, तो 40th एनिवर्सरी है, उसका भी उत्सव होना चाहिए, कोई मिलन होना चाहिए, तो हमारी प्लान है कि सम्मेलन होना चाहिए पदयात्रियों का। आप नए भक्त हैं, नया है पदयात्रा में, जैसे 40 साल पहले जो पदयात्रा में थे उसका फाइनल करेंगे, और जहाँ भी हो नेक्स्ट का
नेक्स्ट ईयर राधाअष्टमी को आप पदयात्रा ध्यान रखो, जहाँ भी हो पदयात्रा वहीं रुकना है और सबको एक जगह में आना है। गेट टुगेदर ऑल ओवर वर्ल्ड ऑल पदयात्री प्लान चल रहा है, गुरुमा जैसे जैसे गाइडलाइंस करेंगे देंगे हम इसे प्लान करेंगे। केवल इतना नहीं, इंडिया के बाहर ऑल ओवर वर्ल्ड में जानते हैं आप लोग 96 में गुरु महाराज ने मोर देन 108 देश से ज़्यादा पदयात्रा हुई। सजन 24 का टारगेट है कि दो पदयात्रा शुरू हो, एक आसाम और एक बिहार। तो हम पदयात्रा आसाम का आप ऑफिशियली ध्यान से करो, इधर उधर भटकाने का नहीं। अभी हमने अनाउंस कर चुके हैं बंगाल पदयात्रा शुरू हुआ उस दिन हमने अनाउंस कर चुके हैं, नेक्स्ट पदयात्रा इज आसाम पदयात्रा। स्टेप बाय स्टेप गड़बड़ी करना का जो ऑफिशियली किए हैं इसको स्ट्रैटेजी हमारी यही है। पिछले 2023 में हमने दो पदयात्रा किए, एक तमिलनाडु का और एक बंगाल का। तो अभी 2024 का प्लान है आसाम और बिहार, ये दोनों का करने की प्लान है। उसी से हरि बोल, जो बंगाल में पदयात्रा हुआ उसकी गौरवताई भी प्रभु जी ने दिया है। जब जब और भी पदयात्रा शुरू होगी गौरवताई प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद भी क्या करते हैं कि आशीर्वाद कृपा करें ताकि हम इस कार्य को थोड़ा सा बढ़ा दें, बढ़ते जाएं। आचार्य प्रभु का बहुत सपोर्ट है।